नाराज हमारे वित्त मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहे, उनका सर कलम करवा दीजिए। सर कलम को ज्यादा हो जाएगा तो ठीक है, उनका हाथी के नीचे सर कुचलवा दीजिए। अरे मिल गई फुर्सत। हाँ? अरे कोई फिक्र नहीं है तो हमसे शादी क्यों की आपने? देखिए इंसान से गलती हो जाती है और जवानी में ये गलती हमसे भी हो गई और उस गलती की सजा हम अब तक भुगत रहे हैं। वैसे आप इतने गुस्से में क्यों हैं? भूल गए आप, आपने हमसे कहा था तैयार रहना, लैला मजनू नाटक दिखाने लेके जाने वाले थे। अरे हम दरबार के कामों में इतने उलझ गए थे कि हम नाटक के बारे में भूल ही गए। आपको हमें याद दिला देना चाहिए था रानी साहिबा। जैसे हम खाली बैठे हैं, पूरे दिन कोई काम ही नहीं है हमें। रानी साहिबा बेहतर होगा कि आप हमारा मुंह ना खुलवाएं। आप दोनों की इजाजत हो तो हम चलते हैं। रुकिए, बात आपके सामने शुरू हुई है, आपके सामने खत्म होगी। बोलिए बोलिए, मुंह खोलिए, आपको क्या कहना है बोलिए। ठीक है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। आपको अपने सजने सवरने और श्रृंगार से वक्त ही नहीं मिलता है। हमारा शाही खजाना आधा हो गया है आपके बेफिजूल खर्चों की वजह से। बस आज के बाद कोई शिकायत नहीं देंगे आपको हम, क्योंकि हम आपको और इस महल को छोड़ के महके जा रहे हैं। सबसे बड़ी तकलीफ तो यही है हमारी, ये बात आप कई बार कहती है लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। आज आप अपने महके चले ही जाइए, हम रथ का इंतजाम करते हैं, मंगवा के रखते हैं। हाँ मंगवा दीजिए रथ, हमारे लिए रथ मंगवा दीजिए, एक पल यहाँ नहीं रुकेंगे, मंगवा दीजिए। चलिए आप दोनों की इजाजत हो तो हम कुछ कहें? बोलिए। हम ये कहना चाहते हैं कि जहाँ तक हम समझ रहे हैं, रानी साहिबा को ऐसा लगता है कि महाराज सारा वक्त देश राज्य और दरबारी कामों में उलझे रहते हैं, उन्हें वक्त नहीं देते। उन्हें ऐसा लगता है कि सारा दिन आप दरबार में बैठे रहते हैं, कुछ खास करते नहीं। बिल्कुल। और जहां पर आपको ऐसा लगता है कि रानी साहिबा से वक्त दास दासियों से काम करवाती हैं, खुद कुछ करती नहीं, इसलिए जब आप घर लौटते हैं तो आपको परेशान करती है। ऐसा हमें लगता नहीं है, लगता नहीं है हमें, ये सच है। आप दोनों की समस्या सुलझाने के लिए हमारे पास एक तरीका है। कैसा तरीका? होशियार, शाने हिंदुस्तान, नूरे चमन, महारानियों की महारानी रानी साहिबा पधार रही है। नशा करके आओ दरबान, जो जापना की जगह रानी साहिबा का नाम ले रहे हो। ये सही कह रहे हैं वजीर आजम, आज से मुगलिया सल्तनत और दरबार दोनों हम संभालेंगे। रानी साहिबा की जय। 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 जय 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 जय। अब हम कुछ बोले? सलीम के अब्बू का फरमान है ये, बिरबल सबको पढ़ के सुनाइए। हर खास आम को सूचित किया जाता है कि हमारे अगले आदेश तक रानी साहिबा हमारी जगह मुगलिया सल्तनत को संभालेंगी। हमारे हर अधिकार और जिम्मेदारी आज से उनकी होगी। बादशाह सलामत, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। अम्मी जान, अगर आप पूरी मुगलिया सल्तनत और ये दरबार संभालेंगी तो अब्बा हुजूर क्या घर पर बैठकर अंडे देंगे? बादशाह सलामत, आज से घर का काम संभालेंगे। लेकिन क्यों? मुझे पता है, जब फूफू खुद अंडे देने वाले हैं तो किसी दूसरे को क्यों पकाने देंगे भला? खुद पकाकर फिर सबको खिलाएंगे। दीवाने खास की कार्रवाई शुरू की जाए। जी बहना। बहना नहीं, यहाँ हम आपकी बहना नहीं है, हम है रानी साहिबा। जी बहना। अब रानी साहिबा, रानी साहिबा, हमारा ज्यादातर आयात मंगोल से होता है,
लेकिन वहां से आयात बहुत महंगा पड़ रहा है, बताइए हम क्या करें? वजीर आजम, आप अगर साड़ी खरीदने किसी दुकान में जाते हो और वो साड़ी बहुत महंगी होती है, आप क्या करते हैं? मुझे पता है। पिताजी साड़ी ना लेकर घाघरा और चोली ले लेंगे। खामोश खरगोश। रानी साहब, हम तो उस दुकान वाले से कीमत कम करने के लिए नापतोल करेंगे। और फिर भी अगर वो दुकान वाला नहीं माना तो क्या करेंगे आप? बताओ बताओ, तुम बताओ। रहने दो, सीधी सी बात है, हम दूसरी दुकान जाकर वही साड़ी सस्ते दाम में खरीदेंगे। रानी साहिबा, समस्या महंगे आयात की है, साड़ी की नहीं। वजीर आजम, हम भी आयात सस्ते करने के तरीके ही बता रहे आपको। हम कुछ समझे नहीं पिताजी। अगर आप इतने समझदार होते तो आप बीरबल की जगह ना होते। रानी साहिबा, हम समझ गए, अगर हमें कोई चीज किसी दुकान में महंगी मिलती हो तो हमें किसी और दुकान में जाना चाहिए जहां हमें वो चीज सस्ती मिले। उसी तरह अगर एक देश से आयात महंगा पड़ रहा है तो हम किसी और देश से आयात कर लें ताकि हमारे प्रजा को तकलीफ ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने बिरबल, बिल्कुल सही। रानी साहिबा ने तो दरबार संभाल लिया, पता नहीं जहां पना घर कैसे संभाल रहे होंगे। जहांपना, आज हम आपको एक ऐसा राग सुनाएंगे कि आप दर्द और खुशी दोनों का मजा लूट पाएंगे। बिल्कुल हमारे मालिश की तरह हुजूर, जो आपको खुशी और दर्द एक साथ देगी। ऐसी मालिश करूंगा कि आप आज खुश होकर के एक दो अंगूठियां तो हमें इनाम में दे ही देंगे। जहांपना, क्या है? मतलब क्या है? आपको इस राग में कितनी खुशी और गम चाहिए ये आप बताते जाइए, हम ऊपर नीचे करते जाएंगे, आप बस लुफ्त उठाते जाइए। हमें जो उठाना है वो हम उठा लेंगे, आप राग छेड़िए, सुर लगाइए आप। जहांपना, हम यहाँ की मुख्य दासी है और हम खाना बनाने जा रहे हैं। तो जाइए, हमने रोका आपको। जहांपना, खाने में मसाले कितने डालने हैं? जितने रोज डालते हैं उतने ही या? बढ़ाओ बढ़ाओ। बढ़ाने? ठीक है जहांपना, मसाले दुगने करवा देती हूँ। बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। ठीक है जहांपना, मैं मसाले 8 गुना करवा देती हूँ। लेकिन शाही पनीर में पनीर कितना डालना है? जितना हमेशा डालते हैं उतना ही? ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, घटाओ घटाओ घटाओ। महाराज, नमक कितना? बढ़ाओ। और हल्दी? बढ़ाओ। मिर्च? बढ़ाओ। घटाओ बढ़ाओ घटाओ बढ़ाओ, सब कुछ बढ़ाओ बढ़ाओ। बस 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 तानसेन, बस अच्छी कोशिश थी। बहुत मजा आया दरबार में। आज हमारे अप्पू ने खाना बनाया, देखते क्या बनाया। और कैसे चल रहा है, मजा आ रहा है? फुर्सत मिल गई आपको, कब से इंतजार कर रहे हैं आपका, भूख से मरे जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है हम जिए या मरे। ऐसा नहीं है सलीम के अब्बू, दरबार में बहुत काम था, अब दरबार छोड़ के तो नहीं आ सकते ना। दरबार दरबार दरबार, घर बार की फिक्र नहीं है आपको? एक दिन में ही आपका ये हाल है तो आगे जाकर ना जाने क्या होगा। अपने पति के लिए कोई जिम्मेदारियां नहीं है आपकी। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने ये बातें किसी और के मुँह से भी सुनी है? सुनी है अम्मी जान, रोज आप अब्बा हुजूर से कहती थी, आज अब्बा हुजूर आपसे कह रहे हैं। अच्छा जी, मतलब आप हमसे बदला ले रहे हैं।
चल वासु खाना खाते, बहुत भूख लगी है। सलीम के अब्बू, ये सारी शिकायतें छोड़िए और हमें ये बताइए कि घर बार कैसे संभला जा रहा है आपसे। घर संभालना हमारे बाएं हाथ का खेल। आप बताइए, इस रियासत को संभालने में आपके पसीने जरूर छूट गए हों। बिल्कुल नहीं। देखा रानी साहिबा, इस बार खाना हमने बनवाया तो दोनों को इतना पसंद आया कि खुशी से चीख रहे हैं दोनों। शाही खून है बाबा हुजूर, अगर हमें मारना ही है तो तलवार से मारिए, ऐसा गंदा खाना खिलाकर क्यों मारना चाहते हैं? ये बता, भूपू हमें तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं भूपी। क्या कह रहे हैं आप लोग? ऐसा घर संभालता है कोई? ऐसा खाना तो कोई इंसान क्या, गली का कुत्ता भी नहीं खाएगा। लेकिन ये क्या खाना बनाया है आपने? ये खाना बनाया या जहर? रोज तो आप ठीक खाना बनाती हैं, आज ये क्या हो गया? जरूर जानबूझ के हमें रानी साहिबा के सामने नीचा दिखाने के लिए आपने ऐसा खाना बनाया है ना? नहीं जहांपनाह, हमने तो आपसे पूछकर ही भोजन बनाया था। क्या? ये झूठ बोल रही हैं, हमसे कब पूछा आपने? ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मुख्य दासी है, बिना पूछे कोई काम नहीं करती। जहांपनाह, रानी साहिबा सही कह रही है, और हमने तो भोजन आपसे पूछकर ही बनाया था। उस वक्त आप तानसेन जी का संगीत सुन रहे थे। जहांपनाह, खाने में मसाले कितने डालने हैं? जितने रोज डालते हैं उतने ही बढ़ाओ। ठीक है जहांपनाह, मैं मसाले 8 गुना करवा देती हूँ, लेकिन शाही पनीर में पनीर कितना डालना है? जितना हमेशा डालते हैं उतना ही? ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, घटाओ। घटाओ? हाँ, बढ़ाओ, घटाओ, बढ़ाओ। हाँ, कोई बात नहीं, आप जा सकती हैं। अनी साहब, ये खाना वाना कैसे बनवाती थी आप? हम खुद बावर्ची खाने में खड़े होकर हमारी निगरानी में खाना बनाते हैं। यूं ही आप 5 आदमियों का खाना अकेले नहीं खा जाते। ठीक है, हम भी खाना ऐसे ही बनवाएंगे। जल्दी करिए ना अब्बा हुजूर, हमें बहुत जोर की भूख लगी है। जाइए, बावर्ची खाना आपका इंतजार कर रहा है। तब तक हम भी दीवाने खास होकर आते हैं, कुछ जरूरी काम है। बनवाना तो पड़ेगा, ये तो हम भी नहीं खा सकते, हम बनवा कर आते हैं। गर्मी, ये बावर्ची खाने में इतनी गर्मी क्यों होती है? अरे खाना बनवा के जान निकल गई है हमारी। बस इतना होना था, हमसे हो चुका, अब और नहीं होगा हमसे, हम थक गए। जहांपनाह, अरे आप फिर क्यों हमारे पीछे आ गई? हमने बावर्ची खाने में सारा का सारा खाना बनवा तो दिया है, अब क्या हमारी जान लेंगी आप? जहांपनाह, जान हम नहीं, वो तो झूमर वाला लेगा। हमारा मतलब है कि महल में झूमर लगाने वाला आया है। अब तो उससे कहिए कि झूमर लगाए, उसे ऊपर छत पे झूमर लगाने है ना, हमें साथ में लटकाना तो नहीं है ना, खुद कर ले, हमारी क्या जरूरत है? लेकिन जहांपनाह, कौन सा झूमर कहां लगाना है इसका फैसला तो आप ही करेंगे ना। देखिए हम बहुत थक गए, हमसे और होगा नहीं, और वैसे भी ये जो हमारे महल में जो इतने सारे झूमर लगे हुए हैं, ये देखिए वो कितना प्यारा झूमर है, क्या जरूरत है नया झूमर लगाने की, कितना अच्छा लगा, वाह 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 वाह, कितने अच्छे हैं ये पुराने वाले। नहीं नहीं जहांपनाह, सारे झूमर कितने पुराने हो गए हैं, अगर आपने झूमर नहीं बदलवाए ना तो आपकी जान भी जा सकती है और मुगल सल्तनत पर किसी दुश्मन का कब्जा हो सकता है। वो कैसे? जहांपनाह सोचिए ना, अगर कोई पुराना सा झूमर टूटकर आपके सर के ऊपर गिर गया तो क्या होगा? हाँ तो हमारी जान जा सकती है, और अगर हमारी जान चली गई तो कोई दुश्मन हमारी रियासत पे कब्जा कर सकता है, हो तो सकता है,
हो सकता है, कहाँ ये झूमर वाला? चलिए जहाँ पना, चलिए हमारे साथ आइए। डरिए मत, ये दुश्मन देश का गुप्तचर है। हमारे देश की खुफिया जानकारी अपने देश पहुंचाते वक्त पकड़ा गया। रानी साहिबा, हमने सारे तरीके इस्तेमाल किए लेकिन इसने अपना मुंह खोला ही नहीं। आप लोगों को जो करना है कीजिए, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा, कुछ नहीं बताएगा, ठीक है, इसे पूरी सेना का काम करवाइए, सेना के कपड़े धुलवाइए, सेना का खाना बनाने को बोलिए, चक्की पिसवाइए, साफ सफाई करवाइए, इसका मुंह अपने आप खुल जाएगा। रानी साहिबा, बड़ी सख्त जान है, हमें नहीं लगता कि इससे कोई फायदा होगा। लेकिन हमें पूरा यकीन है, इसे लेके जाइए और पूछताछ कीजिए, जाइए। क्या वक्त आ गया, अपने दरबार के पेचीदा मसले सुलझाया करते थे हम, और अब दासियों और सेवकों के झगड़े सुलझा रहे हैं। काहे के बादशाह सलामत हैं हम? चलो थोड़ा आराम ही कर लें। तुम दोनों की कमी रह गई थी बस। दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, हम चल के आ रहे हैं यहाँ पर बैठने के लिए, फिर भी बैठे रहोगे, खड़े नहीं होगे तुम। अच्छा हुआ बहुजूर आप आ गए, जाइए जल्दी से जाकर हमारे लिए बादाम और पिस्ते वाला दूध लेकर आइए, हमारी कसरत खत्म होने वाली है। सेवक नहीं है हम तुम्हारे, जाओ खुद जाकर ले आओ। शाही खून है हम अब्बा हुजूर, आज तक हमने सिर्फ अम्मी जान के हाथों का बना हुआ बादाम और पिस्ते वाला दूध पिया है, अब अम्मी जान का सारा काम आप कर रहे हैं, तो आप ही हमें बादाम और पिस्ते वाला दूध लाकर देंगे? नहीं देंगे, क्या करेंगे? मुझे पता है फिर क्या होगा। सलीम भाई साहब रोते रोते जाएंगे फूफी के पास और जाकर चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे कि आपने उन्हें दूध नहीं दिया, फिर तो जो करना है फूफी ही करेगी। हम देंगे ना, दूध ही चाहिए ना, दूध बनाना हमें आता है, लाते हैं बना के, मौके का फायदा उठा रहे हैं दोनों, लाते हैं। ये लो। अब्बा हुजूर इसमें पिस्ते कितने डाले हैं? 10 डाले हैं, जितने बादाम डाले हैं उतने ही पिस्ते डाले। मुझे पता है। क्या पता? आपको दूध दोबारा बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पिस्ते 20 डालने थे अब्बा हुजूर, जाइए दोबारा बनाकर लाइए। नहीं बनाएंगे, फिर हम फूफी को दोबारा बुलाएंगे। अरे पी लो ना भाई, अरे क्या फर्क पड़ता है, पिस्ते बादाम, ज्यादा पिस्ता कम बादाम, एक ही बात है, दोनों चीजों से ताकत आती है, पी लो पी लो पी लो, अगली बार काजू भी डाल देंगे और भी तुम्हें जो चाहिए वो डाल देंगे, लेकिन अभी पी लो बादाम पिस्ते के पीछे क्यों पड़े हुए। मर गए जहांपनाह। अरे ऐसी की तैसी तुम्हारी और तुम्हारे जहांपनाह की, गला काट देंगे तुम्हारा। हाँ तो काट दीजिए गला, यही बचा था, आपके कलेजे को ठंडक पहुंच जाएगी। रानी साहिबा आप ही, हमने आपको देखा नहीं, अरे हमें लगा कि वो मुख्य दासी है, उसने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। लगता है आपको घर का काम पसंद ही नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। हमारी छोड़िए आप, अपनी सुनाइए। अरे हमें तो बड़ा मजा आ रहा है,
तो सब कुछ ठीक चल रहा है तो चलने दीजिए ना। आप घर का काम संभालिए, हम दरबार संभालते हैं। वैसे हमें बहुत भूख लगी है, खाने पीने का इंतजाम कीजिए। अभी लीजिए अभी। एक दिन ये घर संभालने में हमारा ये हाल हो गया है, एक और दिन संभालेंगे तो हम मर ही जाएंगे। ऐसा कुछ करना होगा जिसे रानी साहिबा खुद हार मान ले और हमें ये घर का काम करने से निजात मिले।